गाइज, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं हूँ अभी फतेहपुर सिकरी में, और फतेहपुर सिकरी में मैं कहाँ हूँ मैं आपको बता दूँ कि मैं हूँ जो आपको दिख रहा है, ये है बुलंद दरवाज़ा। ऐसा बोला जाता है दुनिया का सबसे चौड़ा और एशिया का सबसे बड़ा बुलंद दरवाज़ा। तो अभी हम अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अंदर और क्या क्या चीज़ है। और ये है बुलंद दरवाज़ा का बैकग्राउंड, और अभी हम लोग इन किए थे वो बैक से, वो जो पीछे दरवाज़ा दिख रहा है। और ये जो है, ये है जामा मस्जिद, ये यहाँ अंदर का। एंड गाइस, ये जो आप पीछे देख सकते हो मेरे, ये पीछे जो देख सकते हो, ये है चिश्ती। शायद ऐसा बोला जाता है कि यहीं अकबर आके मतलब वरदान मांगे थे कि मेरे को बच्चा हो। तो यहाँ ऐसा बोला जाता है कि यहाँ अगर कोई भी आदमी वरदान मांगता है तो शायद वो पूरा हो जाता है। पीछे वो आपका बुलंद दरवाज़ा का बैकग्राउंड, और उसके बाजू में वो जामा मस्जिद, और इधर राजशाही गेट, ये जो दिख रहा है। हाँ जी, नो जी, थैंक यू। नो नो नो, अब मैं हिस्ट्री को जानता हूँ। नहीं, मैं हिस्ट्री को जानता हूँ, यहाँ की यादगार है। ये तो बाबा एक बुक दे रहे हैं मुझे। वो नहीं करा दो बस। अरे कोई नहीं, मैं ले लूँगा। ठीक, मैं ले लूँगा बाद में ले लूँगा। और अभी हम इसके अंदर जाएंगे जहाँ पे और भी प्राचीन महल हैं, जैसे बीरबल का घर है, जोधाबाई का महल है, पंचमहल है, और भी बहुत सारी चीज़ हैं यहाँ पे। और अभी हम हैं यहाँ, और ये है टिकट काउंटर। और गैस, मुझे जैसे मैंने टिकट कटा थी, ये अंकल मिल चुके हैं जी। आपने किसको किसको घुमा दिया यहाँ पे? मैंने अडवाणी जी को, वाजपेयी जी को, काफ़ी हीरो लोग उनको सबको घुमाया मैंने। अच्छा, कौन कौन सी मूवी शूटिंग हुई है यहाँ पे? फिल्म परदेश मूवी की, शाहरुख खान की। अच्छा, यमला पगला दीवाना, सनी देओल, बॉबी देओल, मुगले आजम। तो अभी हम गाइस इस रास्ते के थ्रू आए हुए हैं, और ये जो सामने दिख रहा है यहाँ टिकट काउंटर था। मैंने फिलहाल टिकट ले लिया है, ऑनलाइन टिकट कटता है, या तो पेटीएम से कटा सकते हो, या तो आप लिंक जो है उससे कटा सकते हो। ठीक है, तो अभी हम अंदर विजिट करेंगे। आप अंदर मतलब अच्छे से विजिट करवा दोगे ना? करा देंगे हम लोग। हाँ, तो अभी अंदर विजिट करेंगे, देखेंगे अंदर क्या क्या चीज़ है। कितने चीज़ें, कितने महल है अंदर? 25 बिल्डिंग है टोटल। तो अभी सब चीज़ को अच्छे से विजिट करेंगे हम। ओके, वो जो आप पीछे देख सकते हो वो है बीरबल का महल। ये है उसके अंदर का व्यू। और गाइज, ये हम आ गए हैं बीरबल के महल के बाजू में, और ये जो पीछे का एरिया आप देख सकते हो, ऐसे दिखेगा नहीं, यहाँ खंडवा का युद्ध हुआ था। और ये है आपका बीरबल का महल कुछ इस तरह से। तो अभी हम इसके आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे महल हैं, आप लोग को अच्छे से विजिट करवाएंगे। गाइज, ये जो है, ये है अनूप तालाब, और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे तानसेन गाना गाया करते थे। तो ये जो तालाब है कुछ ऐसा दिखता था, और वो जो बीच में स्पेस है वहीं बैठ के तानसेन गाना गाया करते थे। और यहाँ जो आपको दिख रहा है ना ऊपर पे, वहाँ पे अकबर बैठा करते थे। ये बहुत मतलब ज़्यादा गहरा भी नहीं है, लेकिन उतना कम भी नहीं है, ये देख सकते हो आप। एंड गाइस, जस्ट अनूप तालाब के बगल में है तुर्की सुल्ताना का मकान, लाल पत्थर से बने मकान हैं। वो जो पीछे आपको दिख रहा है वो है पंचमहल, ऐसा बोला जाता है, और वहाँ लिखा भी है। और जस्ट अनूप तालाब के जस्ट आगे आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा। और वो जो है वो दीवाने आम है, वो जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है, और ये जो बाजू में नज़र आ रहा है, ये पांच महल का है, और इसे पंचमहल बोला जाता है। और इसके बाजू में जस्ट गार्डन है। और अभी आपको पंचमहल का सॉलिड व्यू दिख रहा होगा, ये पूरे पाँच महल के हैं, इसलिए इसे पंचमहल बोला जाता है। बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, और बहुत मज़ा आएगा आपको यहाँ घूम के अगर आप लोग विजिट करते हो यहाँ पे। ये कुछ खास है इसलिए इसका नाम दीवाने खास है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे खास मीटिंग अटेंड हुआ करते थे, और दीवाने आम जो है वो उधर है, और ये है पंचमहल, वो जो आप पीछे देख सकते हो वो पंचमहल है। और अभी मैं हूँ दीवाने खास के अंदर, तो ये देख सकते हो पिलर, बस एक पिलर पे ये पूरा टिका हुआ है। तो ये दीवाने खास है, दीवाने आम है उस साइड। तो अभी हम वहाँ भी जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या है। दीवाने खास से सटा हुआ एक महल है जिसे खजाना लिखा हुआ है वहाँ नेम प्लेट पे, लेकिन ये है आँख मिचोली, और ऐसा बोला जाता है कि रानियाँ यहाँ पे आँख मिचोली खेलती थी। तो अभी मैं अंदर का व्यू दिखाता हूँ कि ये कैसा होता था।
ये थी आँख में चोली और ये पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हो ये ऐसा बोला जाता है कि ये हॉस्पिटल था मतलब उस टाइम का। और ये जो पीछे देख रहे हो एरिया ये है खंडवा का युद्ध जहाँ हुआ था वो एरिया, खंडवा की लड़ाई जहाँ हुई थी। तो अभी हम और इसके आगे चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या क्या है। गैस आँख में चोली से नीचे उतरते हुए मैंने आपको पंचमहल बाहर से दिखाया था लेकिन अंदर से कुछ ऐसा व्यू है पंचमहल का, कुछ ऐसा लगता है पंचमहल। और उसके आगे अभी गार्डन लगे हुए हैं और ये है जोधा भाई के महल का फ्रंट। अभी इसके अंदर जाएंगे और देखते हैं कि मतलब अंदर क्या क्या चीज़ है। और गैस हम आ गए हैं जोधा भाई के महल के अंदर। ये है जोधा भाई के महल के अंदर का व्यू और इस पिछले गेट से भी हम आए थे। ये है तुलसी का पेड़ यहाँ पे और वो जो आप देख सकते हो वो मंदिर है राधा कृष्ण का मंदिर, जहाँ जोधा भाई वहाँ से निकल के यहाँ पूजा करने आती थी, वो है राधा कृष्ण का मंदिर। एक्चुअली वहाँ पे फोटो वगैरह अभी नहीं है या फिर मूर्तियाँ नहीं हैं लेकिन वो वहाँ जाती थी पूजा करने। बट मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखा दूँ। एंड गाइस ये वो मंदिर है जहाँ मतलब जोधा भाई पूजा किया करती थी राधा कृष्ण का। और जितनी भी दासियाँ थी वो ये आजू बाजू रहा करती थी। जैसा कि ये सारे महल दिख रहे हैं ना, मतलब छोटे छोटे घर, यहाँ उनकी दासियाँ रहा करती थी ये सारे महल में। तो गाइस अब यहाँ की यात्राएं मैंने फिनिश कर ली है और अब देखते हैं कि आगे का कहाँ का प्लान है जाने का। तो खैर आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए से बेस्ट ब्लॉग में। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।